माननीय श्री विश्वजीत दास महोदय बंधुरा आपनादेर आशीर्वादे भारतीय जनता पार्टी आमाके 22 नम्बर केंद्र थेके 16 तारीख निर्वाचनेर जन्य प्रार्थी बनिएछेन। आमी बोलबो गत 30 बछर धरे विभिन्न सांगठनिक दायित्व आमी काज करेछि। गत 3 बछर भारतीय जनता पार्टी सिपाही जिला दक्षिण जिला सभापति हिसेबे प्रतिनियत सिपाही जिला दक्षिण जिलार प्रत्येकटा ग्रामे प्रत्येकटा बूथे आमार गतिविधि छिल एवं आमी जतटा सांगठनिक दायित्वे आमी काज करेछि निष्ठार संगे करेछि मानुषेर संगे थेके करेछि मानुषेर पाशे थेके करेछि। एई मुहूर्ते आमी आपनादेर काछे आशीर्वाद चाइछि आपनारा आमाके 16 तारीख भोट दान करे त्रिपुरा राज्येर पवित्र विधानसभा प्रेरण करुन। निश्चित रूपे आमी कथा दिच्छि अत्र एलाकार हिंदू मुस्लिम सकलके निये सकलेर सुखे दुखे पाशे थेके सबार संगे मिले न्याय एवं स्वच्छ बंटन व्यवस्था स्वच्छ प्रशासनेर स्वार्थे काज करे जाब एवं निश्चित रूपे आपनादेर संगे सबसमय आमाके पाबेन से आशीर्वादटुकु आमी चाइब आपनारा आमाके आशीर्वाद करे एकबार आपनादेर सेवा करार सुयोग करे दिन। সকলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে আমি আমার আলোচনা শেষ করব। সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন 16 তারিখ সকাল সকাল গিয়ে ভোট দান করবেন এবং 1 নম্বর সিরিয়ালে আমার নামটা আছে। সবাইকে ধন্যবাদ। ভারত মাতা কি। অসংখ্য ধন্যবাদ দেবব্রত ভট্টাচার্যজিকে ধন্যবাদ। এখন আমরা যার জন্য অপেক্ষা করছিলাম আসাম প্রদেশের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী নেডার চেয়ারম্যান মাননীয় ডক্টর হেমন্ত বিশ্ব শর্মা মহোদয়কে সম্বোধন করার জন্য অনুরোধ করছি। भारत सरकार की मंत्री हमारे सबका प्यारा प्रतिमा भौमिक दीदी सोनामुड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारे उम्मीदवार देवव्रत भट्टाचार्य जी हमारे जिला का प्रभारी जसीम उद्दीन जी हमारे मंडल अध्यक्ष विश्वजीत दास जी माताओं बहनों पिता भाइयों और बहनों सबसे पहले मैं आप लोग को धन्यवाद देता हूं खास करके वो युवा बंधुओं को जो हमारा साथ हेलीपैड से यहां तक आया। हम लोग तो गाड़ी में आया आप लोग पैदल से आया तो मैं आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारा बीजेपी का सबसे अच्छा यही है कि हमारा कार्यकर्ता बहुत ही ताकतवर होता है पार्टी के लिए सब कुछ करने के लिए रेडी होता है और इसलिए हर स्टेट में आज बीजेपी का झंडा लहरा रहा है। अभी अभी त्रिपुरा में बीजेपी चुनाव शुरू होते हुए मेरा पास खबर आया कि कांग्रेस और सीपीएम एक साथ हो गया तो अगरतला एयरपोर्ट ने मुझको किसी ने पूछा कि अभी तो सीपीएम और कांग्रेस एक हो गया कि बीजेपी सरकार बनाएगा तो मैंने उनको बोला भैया आप तो जर्नलिस्ट हो हर जगह में आपका खबर पता है तो भारत का कौन सा स्टेट में सीपीएम है। क्या असम में सीपीएम है नागालैंड में सीपीएम है मणिपुर में सीपीएम है महाराष्ट्र में सीपीएम है गुजरात में सीपीएम है कर्नाटक में सीपीएम है। बोले दादा नहीं नहीं का मतलब तो जीरो हो गया ना। बोले हाँ दादा। बोले कांग्रेस कहाँ है
उत्तर पूर्व में एक भी प्रदेश में कोई कांग्रेस है? बोले नहीं। बोले कांग्रेस आज का दिन में बंगाल में है क्या? बोले नहीं। उड़ीसा में है क्या? नहीं। आज कांग्रेस महाराष्ट्र में है क्या? नहीं। बोले ये भी जीरो हो गया। तो जीरो और जीरो को आप जुग करने से क्या होता है बोलिए, क्या होता है बोलिए? एक और एक जुग करने से दो होता है, लेकिन जीरो और जीरो जुग करने से तो हमेशा जीरो ही होता है। तो सीपीएम जीरो, कांग्रेस जीरो, नरेंद्र मोदी हीरो है कि नहीं? आज आप लोग देखिए 2018 सन में पहला बार हमारा त्रिपुरा में बीजेपी का सरकार बना। सीपीएम कितना साल रहा? 25 साल। और कांग्रेस भी 5 साल 10 साल रहा होगा। एक 25 साल को आप एक तरफ रखिए और 5 साल को आप लोग एक तरफ रखिए। मैं आप लोग को बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, खाली एक बार मुझको कोई मां बोल दे कि सीपीएम सरकार का समय में आप लोग को बिना पैसा में चावल मिलता था क्या? मिलता था क्या? तो 25 साल उन्होंने सरकार चलाया, लेकिन आप लोग का घर में कभी वो 25 केजी चावल दिया है क्या फ्री में? थोड़ा बहुत जो फ्री में भट्टा देता है उसमें भी भाई मिसिल आएगा तभी भट्टा मिलेगा, न तो वो भी नहीं मिलेगा। मिसिल में जाते जाते पेड़ पूरा खत्म हो जाता है तब 700 रुपया का भट्टा मिलता है। लेकिन अभी हमारा बीजेपी सरकार प्रतिमा दी बोल रहा था भट्टा कितना हो गया? 2000 का हो गया। 5 साल में अगर 2000 होता है 10 साल में कितना होगा? कितना होगा? 4000। 15 साल में कितना होगा? 8000। 20 साल में कितना होगा? 16000। 25 साल में कितना होगा? 32000। होना चाहिए था सीपीएम का समय में, होना चाहिए था कि नहीं चाहिए बोलिए? लेकिन आज देखिए हमारा सरकार आया 700 रुपया को 1300 बढ़ा के 2000 किया, मतलब 700 1600 भी नहीं किया। क्लास में तो डबल प्रमोशन होता है, यहां में तो ट्रिपल प्रमोशन हो गया 700 पूरा 2000 रुपया तक। ये क्यों हुआ? किस लिए? दिल्ली में मोदी नरेंद्र मोदी है और हमारा त्रिपुरा में, हमारा यहां में भी मोदी का सरकार है। इसको क्या बोलता है? इसका नाम क्या है? डबल इंजन सरकार। डबल इंजन हम लोग क्यों बोलता हूं? एक रेलगाड़ी अगर एक इंजन से चलता है तो 7 स्पीड में चलेगा, लेकिन 2 इंजन में चलेगा तो वो 120 स्पीड में चलेगा। और वो रेल में अगर मोदी जैसा इंजन आगे होता है तब तो वो 200 स्पीड में चलेगा। चलेगा कि नहीं चलेगा? आप देखिए, जब मैं त्रिपुरा में 2018 सन में आया था, मैं अगरतला आया, सरकार ने मुझको एक गाड़ी दिया, किसलिए? मैं वो समय मंत्री था। मैं गाड़ी में बैठ के आया, ड्राइवर साहब को पूछा कि ड्राइवर साहब तनख्वाह कितना मिलता है? बोले दादा इतना मिलता हूं। बोले पूरा घर में जाते हैं ना? बोले दादा त्रिपुरा में कोई भी पूरा तनख्वाह घर में ले नहीं जा सकता है। बोले क्यों? बोले नहीं, यहां में बहुत ज्यादा वो हमारा असम में बोलता है, आप लोग बिल्ली को क्या बोलेगा, बिल्ली पीठा खाते हैं ना, तो ऐसे सीपीएम का संगठन होता है, हर महीना उनको संडा देना पड़ेगा, नहीं तो तनख्वाह आप पूरा घर में लेके नहीं जा सकता है। मैंने पूछा हाँ सच बात है क्या? बोले नहीं, हर सरकारी कर्मचारी को संडा देना ही पड़ेगा। लेकिन आज आप देखिए बीजेपी तो संडा लेता लेने का बाद ही नहीं, ऊपर में 20% डियरनेस अलाउंस भी सरकारी कर्मचारी को दे चुका है। आप देखिए कोविड आया
लोग बोल रहा था क्या होगा क्या नहीं होगा। नरेंद्र मोदी जी ने सबका वैक्सीन का व्यवस्था किया, रेल से ऑक्सीजन लाया, आईसीयू बनाया, सबका चिकित्सा का व्यवस्था किया और साथ में हम लोग सबको मुफ्त में नरेंद्र मोदी जी ने हम लोग को वैक्सीन दिया, सबको दिया, सबको दिया, दो दो वैक्सीन सबको दिया। हमारा कोविड समय में लॉकडाउन हुआ, गरीब लोगों का मन में था कि लॉकडाउन अभी हुआ हमारा घर कैसे चलेगा। नरेंद्र मोदी जी ने यह निर्णय किया कि हर गरीब को मैं बिना पैसा में 5-5 केजी चावल देने का काम करेगा। आज देखिए कोविड खत्म हो गया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का दिल देखिए, आज भी भारत वर्ष के 80 करोड़ गरीबों को हर महीना 5 केजी का बिना पैसा में चावल मिलता है। आज भी कोविड तो लगभग खत्म हो गया, लेकिन बिना पैसा में चावल मिलने वाला ये जो हमारा स्कीम है, ये स्कीम आज भी खत्म नहीं हुआ। सीपीएम का समय में घर देने का व्यवस्था था, कितना रुपया आते थे, 30,000, बाद में 60,000, लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी का सरकार आया, प्रधानमंत्री आवास योजना का घर निर्माण का शुरुआत हुआ, आज हमारे देश का गरीबों को 1,30,000 रुपया दिया जाता है अपना मकान बनाने के लिए। और कितना लोगों को दिया जाते हैं, अगर आप खाली सोना मोरा को ये बात बोलिए, पूरा सीपीएम का समय में यहां में 160 लोगों को घर मिला था, आज सोना मोरा में बीजेपी सरकार का दिन में लगभग 1700 परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना मिल चुका है। यह खाली सोना मोरा का एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं देश में 107 और 1600, मतलब 1600 टाइम्स घर भी ज्यादा मिला। कन्याश्री, युवश्री, कृषक बंधु।